नमस्कार, स्वागत है आपका जेके न्यूज़ पॉइंट में। भारत एक ऐसा देश जहां कई धर्मों के लोग निवास करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या अन्य धर्म के। सब लोग अन्य धर्मों के त्यौहार व कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। ऐसा ही हमें देखने को मिला भारत पाक विभाजन के बाद पहली बार श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर निकले जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नगर कीर्तन में। ये नगर कीर्तन गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब पाकिस्तान से 1 अगस्त को निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। और सबसे अनोखी बात ये देखने को मिली कि इस नगर कीर्तन में न केवल सिख समुदाय के लोग या हिंदू शामिल हुए, बल्कि ननकाना साहिब के मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल हुए। ये इंसानियत के लिए एक सांप्रदायिकता और भाईचारे की सबसे बड़ी मिसाल है। आपको बता दें कि ननकाना साहिब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ननकाना साहिब जिले की राजधानी है। ये सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी के नाम पर है। गुरु नानक देव जी का जन्म इसी शहर में हुआ था और पहली बार उन्होंने यहाँ पर उपदेश देना शुरू किया था। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी में हुआ था, जो कि पाकिस्तान में है। गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु और सिख धर्म के संस्थापक थे। अपने जीवन काल के दौरान गुरु नानक देव जी ने कई स्थानों की यात्रा की। उन्होंने लोगों को एक ईश्वर का संदेश सुनाया और उन्हें जीवन जीने का सही तरीका सिखाया। सिख समुदाय के लोग गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को कार्तिक महीने की पूर्णमासी को मनाते हैं। श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर नगर कीर्तन 100 दिनों में देश के 17 राज्यों के 65 शहरों से होते हुए सुल्तानपुर लोधी स्थित गुरुद्वारा बेर साहिब में संपन्न होगा। वतन पहुंचने के बाद नगर कीर्तन सिख धर्म के सभी तख्त साहिबान में पहुंचे। नगर कीर्तन तख्त श्री केसगढ़ साहिब, तख्त पटना साहिब, तख्त श्री दमदमा साहिब और तख्त श्री हजूर साहिब के साथ साथ ऐतिहासिक गुरुद्वारा नानक झीरा में भी जाएगा। यहाँ संगत श्री गुरु ग्रंथ साहिब और गुरु साहिब की निशानियों के दर्शन के लिए उमड़ी थी। संगत ने पुष्प वर्षा कर नगर कीर्तन का स्वागत किया। नगर कीर्तन में एसजीपीसी की वैन में पुरातन शस्त्रों के अलावा पहली बार गुरु नानक देव जी के खड़ाऊ संगत के दर्शन को नगर कीर्तन में रखी थी। पालकी की सजावट रंग बिरंगे फूलों से की गई है, जिसकी शोभा देखते ही बनती है। नगर कीर्तन के आगे स्कूली बच्चे अपने बैंड के साथ करतब दिखाते नजर आए और गतका पार्टियों ने मार्शल आर्ट्स में जोहर दिखाया। साथ साथ सफाई के प्रबंध भी किए गए। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद भारत और पाकिस्तान में उपजे तनाव का अंतर्राष्ट्रीय नगर कीर्तन पर कोई भी असर नहीं पड़ा। कड़ी सुरक्षा के बीच नगर कीर्तन जम्मू से भी निकाला गया। नगर कीर्तन इंसानियत का पैगाम लोगों को देते हुए विभिन्न राज्यों से गुजरा, जिसका हर वर्ग व धर्म के लोगों ने खुले दिल से स्वागत किया। गुरु नानक देव जी की जन्मभूमि से रवाना हुआ नगर कीर्तन 17 राज्यों से गुजरता हुआ सुल्तानपुर लोधी स्थित गुरुद्वारा बेर साहिब में संपन्न होगा। हमें देखने को मिला कि श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के पावन अवसर में निकाले गए नगर कीर्तन में सभी लोगों को एक समान भाग लेने का अवसर मिला। यहाँ पर समाज द्वारा बनाए गए मतभेद नहीं देखे गए, जबकि लोग ऐसे मतभेद की जंजीरों को तोड़ते नजर आए। जात पात व सामाजिक दर्जे का यहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं है। गुरु नानक देव जी के दिए गए वचनों का पालन करते हुए नगर कीर्तन को सिख सफल बनाने की कोशिश में जुटे हैं। गुरु नानक देव जी के सिद्धांतों के अनुसार मानस की जात सबे एक पछानो। आज के दौर में जहां हर तरीके से सामाजिक बंटवारा हो रहा है, लोगों को गुरु नानक देव जी के इन सिद्धांतों की अहमियत समझते हुए पालन करना चाहिए। हमें ज़रूरत है कि हमारे गुरुओं के दिए गए वचनों का हमें पालन करना चाहिए, ताकि हम जाति धर्म या अन्य भेदभाव से ऊपर उठकर अच्छे इंसान बने और इंसानियत को मजबूत बना सकें।